जिंदगी आगे करी जा असलम खुशा मदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्या हाल चाल है आप लोगों के यकीनन बहुत ही अच्छे हाल होंगे और अच्छे हाल इसलिए होंगे वीकेंड बहुत अच्छा गुजारा होगा लेकिन अब जागने का और काम करने का कुछ वक्त आ चुका है <laughs> मैं हूँ आपकी मेजबान सुंदस जमील मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन क्या हाल है फारूक बिल्कुल ठीक सुंदस बहुत अच्छा हाल है वीकेंड बड़ा अच्छा मतलब नींद मेरी पूरी हुई बड़ा इंजॉय किया मैंने और वीकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल था बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई वीकेंड पे अगर आपको पता है कल खिताब भी किया वहां पार्लियामेंट से उनका खिताब भी है तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स में शुहै मलिक के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट तो है बिल्कुल तो सलमान गनी साहब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं आज मंडे को फ्रेश डे स्टार्ट करने के लिए गनी साहब आप ठीक ठाक आप वेट कर रहे होते हैं बस मुझे क्यों मिले और फिर मैं सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कल सदर साहब के खिताब के हवाले से सदर साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कोई वादा नहीं तोड़ा और ये जो डिले भी आई ये अठारहवीं तरमीम को पेश करने में वो इस वजह से कि नहीं हो रहा था तो इस वजह से आई वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी अपने वादे नहीं तोड़ती इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप मेरा ख्याल ये चीज तो तय थी जो कंसेंसस जिन चीज़ों पे था वो तो इनके दरम्यान तय था उसमें जो दो साल की तखीर हुई है वो सदर साहब बेहतर जानते हैं कि क्यों हुई है कि जो आमराना तरमीम थी सेवनटीन अमेंडमेंट में उनका खात्मा ये जो तो चीज़ें नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो के दरमान दरमियान तय पा चुकी थी। और, और मैं समझता हूँ कि ये जो डिले हुई है इसमें पीपल्स पार्टी और उसकी हुकूमत की क्रेडिबलिटी भी मुतासर हुई है और पाकिस्तान के आवाम को जो मसाइल और मुश्किल दरपेश थीं उसके सदेबाब में भी तखीर हुई है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी की कैफियत है ये तो आप महसूस करते होंगे ठीक है लेकिन, लेकिन क्रेडिबिलिटी बहाल हो जाएगी इसके बाद जी मुझे है? कुछ मामलात तो और देखें आपने सदर साहब की इस तकरीर का हवाला दे दिया लेकिन आपने फौजिया व आपकी ब्रीफिंग का हवाला नहीं दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम बे नजर साहब आसफ़ अली जरदारी और नुसरत भुटो अब किसी का एहतसाब नहीं होने देंगे दे। किस को चैलेंज कर रहे हैं देखे ना अब तो डेमोक्रेसी बहाल हो रही है जब जमूरीत तो... का इस्तेकाम कायम होता है तो पाकिस्तान जो रियाती अदारे होते हैं वो पाबंद होते हैं अपने अपने मकासद के असूल के लिए और गलबन फिर एक दफा अदलिया को चैलेंज किया जा रहा है और अटॉर्नी जनरल का रेजिग्नेशन जनलग्शन डिप्टी अटॉर्नी ये क्या ऐसी की कड़ी है जो आप आप ये जी दुरुस्त कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल ने रिजाइन किया है से लॉ ने किया है उन्हें हाँ। कौन रोक रहा है देखें एनआरओ पे फैसला पाकिस्तान की अदालत उजमा का फैसला है और मुतफिक का फैसला है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है हाँ। देखे करप्शन लूट मार के रुझान ने पाकिस्तान की दुनिया भर में जगनसाई की है हमारे अहले सियासत को बदनाम किया है देखे जब एक सियासतदान बदनाम होता है तो फिर सारे सियासतदान जवाब होते हैं पीएमएल नवाज ने कहा है कि जी ये खुला तजद नहीं है कि बेनजीर भुट्टो का केस वो कह रहे हैं कि जी बंद कर दिया जाए और जल्फिकार अली भुट्टो का केस जो दोबारा खोल दिया जाए हसन इकबाल साहब का भी इस हवाले से बयान है इस बारे में आप क्या कहते हैं देखिए बात ये है कि मैंने तो ये बात कही कि कुछ चीजों पे असर होने की कोशिश हो रही है आप अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे क्या ये पाकिस्तान की आज की सूरत हाल नॉन ईशूज़ को इशूज़ बनाने की और इशूज़ को नॉन ऐशूज़ बनाने की मुकम्मल हो सकती है पाकिस्तान इस वक्त मसाइल की आग में जल रहा है मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि एटीनथ अमेंडमेंट पर पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्स ने किया है वो अदलिया में पेश हुई है और एटीन अमेंडमेंट बिल को पास करने के बाद देखें वो एक अलहदा चीज़ है उससे क्या लोड शेडिंग का खात्मा होगा उससे लोगों के मसाइल लोगों को इंसाफ मिलेगा फारूक भाई मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि हमें अपने असल मसाइल की तरफ तोजो देनी चाहिए वरना ना इस हुत का कोई मुस्तकबिल है और ना इस सिस्टम का कोई है। I'm sure बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे मेरे भी जहन में ये सवाल है हमने और सारे बहुत सारे मसलों का हल निकाल लिया अब एटीन अमेंडमेंट पर भी हम एक कंसेंसन पे आ गए मतलब एक हम चीज़ पर अग्री कर रहे हैं यकजहती का इजहार कर मुझे आप ये बताएं कि कालाबाग डैम जिसको बहुत हाइप दी गई है उसका मसला का हल होगा देखें ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उठाई है और आप ये चीज़ उठाने के बाद जेर धाम भी आ सकती हैं बात यह है कि कालाबाग डैम ए जनरल जया के दौर में अगर बन जाता तो आज पाकिस्तान के अंधेरे हमारा पानी हल हो जाते हैं पिछले बदकिस्मती ये है कि जो कौमी मफादात के मनसूबे हैं उस पर आप ऐसी सूरत आल तारी करते हैं जिससे एक इंतजार पैदा होता है अभी कल की बात है जनरल मुशरफ़ ने पूरे मुल्क में एक कंपेन लॉन्च की थी 16 करोड़ रुपए खर्च किए थे कालाबाग डैम की मैथ में कहाँ गया वो कालाबाग और कहाँ गया वो बादशाह डैम कि बात यह है कि कौमी मनसूबों पर तो इतफाक़ राय होना चाहिए और अगर कालाबाग डैम बन चुका है मैं आज भी समझता हूँ कि आप देखें ये जो तो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये तो लूट मार के मनसूबे हैं इस्लामाबाद के अंदर जाके कहानियां देखें क्या निकल रही हैं कि जब गवर्नमेंट की अपनी नीयत दुरुस्त नहीं होगी जब आप कोई काम नहीं करना चाहते होंगे तो यही सूरताल पैदा होती है मैं समझता हूँ आज भी अगर आप कालाबाग डैम के मनसूबे में ये काबिल अमल मनसूबा है और बैरूनी अदारे इसके लिए ग्रांट्स देने के लिए तैयार हैं यही एक ऐसा मनसूबा है जो पाकिस्तान में तोनाई के बुरान का खात्मा कर सकता है आज ही एक और अहम बात कि आज पार्लियामेंट से खिताब सदर साहब का तीसरी मरतबा खिताब कर रहे हैं और इस फिजा में जब अठारहवीं तरमीम भी पेश हो रही है आई थिंक एमिकेबल सा एक इन्वायरमेंट होगा आपने भी खुद कहा कि रियल अपोजिशन जो है वो अब ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे नवाज़ शरीर साहब को भी इन्वाइट किया गया देखिए मैं समझता हूँ कि प्रेजिडेंट साहब के पास एक और मौका है कि आज वो जब पार्लियामेंट से खताब करेंगे तो यकीन वो एन एफ सी एवार्ड की बात करेंगे वो एटीन अमेंडमेंट बिल पेश करने का क्रेडिट लेंगे पाकिस्तान सारे क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं लेकिन वो पाकिस्तान के जो आवाम के हकीकी मसाइल हैं महंगाई महंगाई है लोड शेडिंग है वो अपनी हुकूमत को खींचें बात यह कि लाहौर जैसे शहर में मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि बारह घंटे से अठारह घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है देखे देखे और देखे 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 मैं समझता हूँ कि पंजाब को खसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है और पंजाब के उन शहरों को टारगेट किया जा रहा है जहाँ पर सनती अदारे कायम हैं और ख़ास तौर पर फैसलाबाद में आप देखें कि वहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं बेरोजगार हुए हैं जबकि कराची हैदराबाद में ऐसी सूरत नहीं वहाँ सिर्फ चार घंटे की लोड शेडिंग है और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वहाँ के लोग बड़े बाशूर हैं वो एहतजाज करना जानते हैं पंजाब के अवाम की शराफत से नजायज़ फ़ायदा कौन ले रहे हैं मैं समझता हूँ कि जब फिर पंजाब के अवाम भी निकलेंगे और फारूक साहब मैं एक बात रिकॉर्ड पर कह दूँ मुझे आने वाले हफ्ते में इन इन इशूज़ के हवाले से लोग सड़कों पर आते नजर आ रहे हैं कल फातिमा भुट्टो जो है मीर मिर्जा भुट्टो की जो साहबजादी हैं उनका एक बयान आया और वो बयान ये था कि जी जदारी साहब जो हैं और वो इन्वाल्ड हैं मेरे फादर के मर्डर में उनके किताब भी आ, उसकी तकरीब रनुमाई थी उस हवाले से और उन्होंने कहा कि जी लगारी साहब जो प्रेजेंट थे और बीबी साहिबा को इस बात का इल्म था इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे देखिए ये इसका बेहतर जवाब तो खुद जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी के लोग दे सकते हैं लेकिन फातमा भुट्टो के ये जो बयान है इसके इसके हवाले से जो तहफात हैं वो तो वो दूर कर सकते हैं लेकिन बातें तो ये होती रही हैं आप यहाँ तक आप बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से जो मैंने बात की है देखें बुनियादी जुम्मेदारी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज हुकूमत उनकी है।, है आज रियाती इदारे उनके ताबे दो साल जी अभी तक बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो कातल है वो बेनकाब नहीं हो सके और ये अमर क्या चैलेंज नहीं है इस हकूमत के लिए क्या पीपल्स पार्टी के जेलों की जज्बाती वस्ती अपनी लीडरशिप से नहीं थी और मैं सब ब्रेक के बाद मिलते हैं स्टेडियम की पॉचिंग जागो दुनिया